उत्तराखंड के प्रसिद्ध पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की एक छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया था। इस मामले ने पूरे राज्य में हड़कंप मचाने का काम किया था और अब इस मामले में पुलिस टीम को सफलता हासिल हुई है। बता दें कि छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने वाला आरोपी डॉक्टर फरार चल रहा था, जिसे अब पुलिस ने टांडा बैजर के पास से हिरासत में ले लिया है। वहीं पुलिस की कार्यवाही से संतुष्ट होने के बाद यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं ने अपना धरना प्रदर्शन भी समाप्त कर दिया। गौरतलब है कि आरोपी डॉक्टर पर कार्यवाही की मांग को लेकर बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं धरने पर बैठे थे। वहीं पीड़ित छात्रा का आरोप है कि जब वो अपनी को समस्याओं को लेकर चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने उसके साथ छेड़छाड़ की। दरअसल पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय कैंपस में स्थित हॉस्पिटल के डॉक्टर दुर्गेश कुमार यादव पर छात्रा ने अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है। घटना के एक सप्ताह बाद भी जब आरोपी डॉक्टर पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई, तो छात्र छात्रा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और आरोपी डॉक्टर पर कार्यवाही की मांग करते हुए छात्र बड़ी संख्या में परीक्षा छोड़ अस्पताल गेट के सामने धरने पर बैठ गए, जिससे विश्वविद्यालय प्रबंधन में हड़कंप मच गया। मामले को शांत करने के लिए डीन टेक्नोलॉजी अलकनंदा अशोक और DSW डॉक्टर ब्रिजेश सिंह ने छात्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन छात्र सुबह से कुलपति से वार्ता करने की जिद में अड़े रहे। ऐसे हालात में पुलिस पर आरोपी को पकड़ने का दबाव बना। वहीं पहले कुलपति की संतुष्टि के बाद आरोपी डॉक्टर के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही की गई थी, जिसके बाद पुलिस की टीमें आरोपी डॉक्टर को पकड़ने में जुट गई थी। वहीं SSP मंजुनाथ TC ने बताया कि आरोपी डॉक्टर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद छात्र को गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने SSP के आग्रह पर धरना समाप्त कर दिया। फिलहाल पुलिस द्वारा आरोपी से पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी।